छत्तीसगढ़ की डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को विगत दो माह से वेतन न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें परिवार के भरण पोषण में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी इंजीनियर सहित कुल 77 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है, जिनका एक माह का वेतन लगभग 21,30,000 रुपए है, जो विगत दो माह से प्राप्त नहीं हुआ है। इस नगर पालिका में दीपावली के बाद से अब तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के सामने अपने परिवार के लालन पालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारी तो वेतन के भरोसे कर्ज की चपेट में भी आ गए हैं। यदि जल्द ही इनके वेतन का भुगतान नहीं होता है तो समस्या विकराल हो सकती है। आपको बता दें कि इनमें से दो कर्मचारी तो ऐसे हैं जो वेतन के लिए बिना ही इस दुनिया से चले गए और अब उनके परिवार को भी उनका वेतन कब मिलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका में कार्यरत भृत्य रमला बाई का 3 जनवरी 2020 को निधन हो गया था। वहीं सहायक राजस्व निरीक्षक सन्नी यादव की 5 जनवरी को वाहन दुर्घटना में अकाल मौत हो गई थी। इन दोनों कर्मचारी की भी दो माह का वेतन नहीं मिला था। अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार अब इन अधिकारी कर्मचारियों की तकलीफों को समझती है और उनको वेतन की समस्या का समाधान करती है या नहीं। डोंगरगढ़ से समाचार एक्सप्रेस के लिए प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़ले की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।